2019 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी अभी से सक्रिय हो चुकी है। बिलासपुर में आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें आप पार्टी से राज्यसभा सांसद व हिमाचल प्रदेश प्रभारी संजय सिंह मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान लोकसभा चुनाव से पूर्व संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की गयी। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर अब केवल राष्ट्रीय पार्टी भाजपा व कांग्रेस नेता ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। 2019 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव को लेकर बिलासपुर में आम आदमी पार्टी ने राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश भर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन में पार्टी से राज्यसभा सांसद व हिमाचल प्रदेश प्रभारी संजय सिंह मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। बिलासपुर नगर परिषद कमेटी हॉल में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य संगठन का विस्तार और पदाधिकारियों का चयन करना था, ताकि लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की जा सके। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रदेश की जयराम सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आम आदमी पार्टी को प्रदेश में मजबूती प्रदान करने का भी दावा किया। संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। देश के अंदर न्यायपालिका से लेकर और जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं उसका जबरदस्त दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्र में बैठी हुई सरकार सीबीआई के डंडे से सबको चलाना चाहती है। एक चुनी हुई सरकार को दिल्ली में चलने नहीं दिया जा रहा है। हमारे एक रुपए के एडवाइजर को जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आती हैं आतिशी मार लेना, इस दुर्भावना से केंद्र सरकार काम कर रही है कि उनको निकाल दिया जाता है। नौ नौ हमारे एडवाइजर निकाल दिए गए। तो आज देश के लोकतंत्र पर एक जबरदस्त खतरा है। उस लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है और इसके लिए पूरे देश से आवाज उठानी जरूरी है। हिमाचल प्रदेश भी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिक्षा से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए, रोजगार से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न लोगों के सामने हैं। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी एक मजबूत संगठन का यहाँ पर निर्माण करके हिमाचल प्रदेश में जो यहाँ के मुद्दे हैं उनको भी उठाने का प्रयास करेगी, और जो केंद्र सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, राष्ट्रीय स्तर के भी जो मुद्दे हैं, उस पर भी हम लोग जमकर यहाँ काम करेंगे। जो इन्होंने यहाँ के लोगों के साथ वादे किए हैं उस पर इस सरकार को खरा उतरना चाहिए, और अगर सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतरेगी तो आम आदमी पार्टी, जैसा मैंने आपको कहा, अपने एक मजबूत संगठन के निर्माण के साथ इनके खिलाफ विरोध का बिगुल फूकेगी और जनता को लाम बनाएगी। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।